इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहीं लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू लागू है, कई राज्यों में अलग अलग तरह की गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, लेकिन देश में कोरोना के आंकड़ों का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के कारण इस वक्त सबसे बुरे हालात भारत में हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहली बार 4 लाख के पार चली गई। इन 24 घंटों में पॉजिटिव होने की तादाद है 4,01,911 और पिछले 24 घंटे में ही कोरोना की वजह से जो मौतें हुई उसने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 24 घंटे में 3,521 मरीजों की जान चली गई। हालांकि इन 24 घंटों में 2,98,951 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस वक्त देश में कुल 32,63,966 कोरोना के एक्टिव केस हैं। हालात ये हैं कि सिर्फ अप्रैल में ही भारत में कोरोना के कारण करीब 45,000 लोगों की जानें चली गई हैं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का डेटा कोरोना के सीरियस कंडीशन की पूरी तस्वीर हमें दिखा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।